Okay, now with two more questions. First of all, you solve these questions. Okay, now I'm solving. देखो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है इतना इक्वल टू इतना। देखो इसमें एक बात का ध्यान रखना बेटा, इस पैटर्न का अगर कोई क्वेश्चन दिखाई दे, इस पैटर्न का अगर कोई क्वेश्चन दिखाई दे और इस साइड जीरो हो तब तो सिंप्लीफाई कर लो। लेकिन अगर मान लो कि यहां पर जीरो नहीं हो, कुछ लिखा हुआ हो, एक्स हो, वाई हो, ऐसा कुछ हो, तो एक बार जरूर कोशिश करना ये समझने की कि एक्स और वाई को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रूप में सपोज किया जाए कि नहीं। फिर से सुनो, अगर राइट हैंड साइड में जीरो नहीं हो तो जरूर एक बार सोचना कि क्या एक्स और वाई को किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रूप में सपोज किया जाए या नहीं किया जाए। इज इट क्लियर? लेकिन अगर जीरो हो तो कोई जरूरत नहीं है, उसको सिंप्लीफाई करो। तो आई एम सिंप्लीफाइंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखो सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मैं इधर ले जा रहा हूं, तो हो गया एक्स अंडर रूट वन प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स। चलिए हम लोग स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दें, तो एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का प्लस हो गया वाई स्क्वायर वन प्लस एक्स। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। देखिए अगर हम लोग इनको एक्स स्क्वायर इस तरफ कर लेते हैं वाई स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, इस तरफ है अपने पास एक्स वाई स्क्वायर, इधर ले आते हैं इसको तो हो गया एक्स स्क्वायर वाई। चलिए इसको हम लोग फैक्टराइज करके लिखे तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और इन द राइट हैंड साइड एक्स वाई को अगर कॉमन ले लिया जाए, एक्स वाई को अगर कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा वाई माइनस एक्स, चलो माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस एक्स और ये हो जाएगा माइनस वाई। इन दोनों को अगर हम कैंसल कर दें देन वी हैव एक्स प्लस वाई इन द लेफ्ट हैंड साइड, इन द राइट हैंड साइड एक्स वाई, जो इजीली लिखा जा सकता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। देखो फिर से रिकॉल करो जो मैं हमेशा कहता हूं, जो प्रूव करना है उसमें देखो क्या नहीं है, जो नहीं है उसको एकदम सेपरेट करो। देखो इसमें एक्स है, वाई नहीं है, तो वाई को सेपरेट करो, उसका डिफ्रेंशिएट करो। चलिए वाई हम लोग इसमें कॉमन ले ले तो हो गया वन प्लस एक्स, और इस एक्स को दूसरी ओर ले जाते हैं तो वाई इज इक्वल टू बचा माइनस एक्स वाई वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि देखो इसको हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है, हम लोग सीधे सीधे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो इसको डिवीजन करके भी कर सकते हैं, तो चलो मैं डिवीजन कर रहा हूं। तो अगर मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं वन प्लस एक्स माइनस वन, इस एक्स को वन प्लस एक्स माइनस वन, इंटेंशन क्लियर है, मैं डिवाइड कर रहा हूं, ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं कर रहा हूं, आप सीधे सीधे भी इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, विल गेट द सेम आंसर। सो इट इज इक्वल टू वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स, वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स वन, माइनस वन बाय वन प्लस एक्स। चलो इसको हम लोगों ने लिख लिया माइनस वन प्लस वन बाय वन प्लस एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इट विल बिकम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, एंड हम लोगों ने याद किया था कि वन बाई एक्स का डेरिवेटिव कितना, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, सो वी गॉट द रिजल्ट, इज इट? सो दिस प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व। फिर से रिकॉल करो, अगर राइट हैंड साइड में जीरो नहीं हो तो हमेशा सोचो कि एक्स और वाई को किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में सपोज किया जाना चाहिए या नहीं, लेकिन अगर जीरो हो जस्ट सिंप्लीफाई करो एंड यू विल गेट द आंसर। एंड नाउ फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, व्हाट इज रिटन हियर मस्ट बी अंडरस्टूड। देखो ये लिखा हुआ है डी टू एक्स बाय डी वाई स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि हमको एक्स को डबल डिफ्रेंसिएशन करना है, एक्स को दो बार डिफ्रेंसिएशन करना है। फिर यहां नजर डालो, ये जो रिजल्ट है इसमें देख रहे हो डबल डिफरेंशिएशन y का है विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ है डबल डिफरेंशिएशन x का विथ रेस्पेक्ट टू y, और यहाँ पर है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इनटू dy/dx, मतलब y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x और वो पावर माइनस थ्री, मतलब कि इस पर ये डिवीजन है, यही प्रूव करना है, करना कुछ नहीं है। अगर थोड़ा सा ध्यान दो इस बात पर तो कंफर्टेबली हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि हम लोग पहले डी टू एक्स वाई डी वाई स्क्वायर को लिख करके देखें तो ये होगा कितना, देखो
d2 y by dx, oh sorry, rather it should have been d2 x by dy square, d2 x by dy square. इसका मतलब क्या हुआ कि x का डबल डिफरेंशिएशन मतलब d by dy into dx by dy, ये हो गया x का डबल डिफरेंशिएशन. देखो अब इसमें हम लोगों को क्या चाहिए, x के रेस्पेक्ट में चाहिए दोनों बार डिफरेंशिएशन, तो करेंगे हम लोग x के रेस्पेक्ट में कैसे. पहले इसको देखो, अगर हम लोग चाहे तो इसको इतना लिख सकते हैं dy upon dx टू द पावर माइनस वन. देखो dy ऊपर कर दिया, dx नीचे, टू द पावर माइनस वन. अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या होता है, चेन रूल में हम लोग क्या करते थे, पहले इसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे और फिर उस x को y के रेस्पेक्ट में कर लेंगे. मान लीजिए dy dx को y के रेस्पेक्ट में करना है, इसको y के रेस्पेक्ट में करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले इस पूरे को x के रेस्पेक्ट में कर लेंगे और फिर x को y के रेस्पेक्ट में कर लेंगे. तो चलो इसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में पहले कर रहे हैं, तो कितना हो गया माइनस वन टाइम्स dy dx टू द पावर माइनस टू इन टू, चेन रूल यूज करें तो फिर कितना होगा, फिर इसका अंदर वाले का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. क्लियर. अब क्या करना था, ये यहां तक का डिफरेंशिएशन इसका हुआ विथ रेस्पेक्ट टू x, इस पूरे का डिफरेंशिएशन हमको करना था y के रेस्पेक्ट में, लेकिन हम लोगों ने पहले इसको डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में. x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस वन यहां आ गया, इसका पावर हो गया माइनस टू, लेकिन फिर इसको अंदर वाले को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया d2y by dx स्क्वायर. लेकिन करना तो था डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में और हम लोगों ने कर दिया x के रेस्पेक्ट में, सो उस x को फिर से y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया dx by dy. इज इट. अब देखो बहुत बहुत अच्छा सा रिजल्ट तुमको मिल गया, अगर इस पर ध्यान दो तो ये हुआ कितना, माइनस डी वाई बाई डी एक्स पावर माइनस टू इन टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. अब थोड़ा सा ध्यान दो, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स टू द पावर माइनस वन लिख सकते हैं, डी एक्स वाई डी वाई डी वाई बाई डी एक्स टू द पावर माइनस वन. अब देखो जो रिजल्ट चाहिए था वो मिल गया, हमको क्या चाहिए था, माइनस तो माइनस है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए था जो है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इट. फिर हमको क्या चाहिए था, डी वाई बाई डी एक्स टू द पावर माइनस थ्री, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स यहां है माइनस पावर टू माइनस पावर वन, मल्टीप्लाई होने के बाद हो गया डी वाई बाई डी एक्स टू द पावर माइनस थ्री एंड दैट वॉज टू फाउंड इज इट. सो वी कुड गेट द रिजल्ट इज इट. फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन यू प्रिपेयर योर सेल्फ. Again, I have two more questions. First of all, you solve it. First of all, you try to solve it. Rather solve it. If you could solve the problem, you will understand more what I can make you. Is it? चलिए. देखिए सबसे पहले तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें मन में एक बात आती है कि हम लोग इसको 1 प्लस कॉस 2 थीटा के फॉर्मेट में ढाल करके इसको सीधे सीधे लिख दें 2 कॉस स्क्वायर टी, तो 2 कॉस स्क्वायर टी लिखेंगे कोई फायदा नहीं होगा इसलिए कि फिर प्रोडक्ट का ही फॉर्म आएगा, इसलिए इसको अभी ऐसे ही रहने दो. तो चलो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्स को विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो डी एक्स बाई डी टी ये कितना हो गया अल्फा साइन टू टी यू इंटू वी के फॉर्म में इसको ले लें, तो पहले साइन टू टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू कॉस टू टी इंटू वन प्लस कॉस टू टी. अब देखो बेटा इसके बाद डिफरेंशिएशन करना होता है सेकंड वाले को, तो साइन टू टी और सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, ये तो प्लस वन का जीरो और ये हो गया माइनस टू साइन टू टी इज इट. तो ये अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर करके लिखें तो कितना होगा, ये अगर हम लोग देखो तो सब में टू कॉमन है, कॉमन निकाल करके बाहर लिख लो तो टू अल्फा, ये बच गया कितना cos 2t, मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 2t
फिर इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो कॉस स्क्वायर टू टी, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे कॉस स्क्वायर टू टी, ये टू ऑलरेडी बाहर आ गया, फिर यहां से टू बाहर चला गया तो बचा माइनस साइन स्क्वायर टू टी, साइन टू टी इंटू साइन टू टी। अब देखो ये साइन स्क्वायर टू टी और कॉस स्क्वायर टू टी ये दोनों मिलकर के फॉर्मूला दे रहा है अपने पास कौन सा, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा ही है ना यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग लिख लें टू अल्फा कॉस टू टी इंटू, इसको लिख लें हम लोग, इसको हम लोग लिख लें प्लस, ये जो अपने पास हो गया ये हो गया कॉस फोर टी, इज इट क्लियर। अगर हम लोग चाहें तो इसको कन्वर्ट कर करके लिख सकते हैं हम लोग कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्म में, कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्म में अगर लिखें तो टू अल्फा और इंटू टू, इसका हो गया इसको सी मैं लिख रहा हूं इसको डी, तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो सी प्लस डी बाई टू तो फोर टी, फोर टी प्लस टू टी बाई टू, क्लियरली सिक्स टी बाई टू मीन्स थ्री टी इंटू कॉस। फिर अगली बार क्या करेंगे सी माइनस डी बाई टू, तो कितना हो जाएगा टू टी बाई टू मीन्स टी, तो इट इज इक्वल टू टी। सो वी गॉट फोर अल्फा कॉस थ्री टी इंटू कॉस टी। अब देखो हम लोग सेकेंड पार्ट को भी करके देखें, इस y को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो होगा कितना डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू बी इंटू कॉस टू टी को पहले डिफ्रेंशिएट करें तो माइनस टू साइन टू टी इंटू टू, जो कि पहले हम लोगों ने यहां लिख लिया, इंटू वन माइनस कॉस टू टी प्लस, इसके बाद हम लोग कॉस टू टी रहने दें, यू रहने दें, भी को डिफ्रेंशिएट करें, देखो ये क्या होगा वन का जीरो या माइनस, फिर कॉस का करते हैं तो एक माइनस आता है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस छोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा कितना टू साइन टू टी। अब इसको हम लोग लिखें तो कितना होगा, चलो सब में से अगर मान लो कि मैं टू कॉमन ले लूं, टू कॉमन ले लूं तो टू बीटा अंदर में बचा कितना माइनस साइन टू टी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया माइनस साइन टू टी, फिर इस माइनस साइन टू टी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस साइन टू टी इंटू कॉस टू टी। फिर ये मल्टीप्लीकेशन के बाद टू तो बाहर चला गया तो हो गया साइन टू टी इंटू कॉस टू टी, देखो ये दोनों मिल करके डबल हो गया तो हो गया टू बीटा इंटू माइनस साइन टू टी प्लस टू साइन टू टी इंटू कॉस टू टी। देखो बेटा ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा कि इज इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां पर भी देख रहे हो थीटा के बदले में टू टी है लेकिन ये वही फॉर्मेट है, तो इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन टू थीटा मीन्स टू इंटू टू टी मीन्स फोर टी, तो इसको लिख सकते हैं हम टू बीटा माइनस साइन टू टी प्लस साइन फोर टी। देखिए फिर से अगर हम लोग चाहें तो इसको साइन सी माइनस साइन डी में ब्रेक कर सकते हैं, साइन सी माइनस साइन डी जो कितना होता है टू कॉस कॉस सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू मीन्स सिक्स बाई सिक्स टी बाई टू मीन्स थ्री टी इंटू इंटू, फिर लिखते हैं साइन, पहला टर्म कॉस का दूसरा टर्म साइन का सी माइनस, तो यहां पर अगर माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा टू टी बाई टी, टू टी बाई टू दैट मीन्स टी, ये हो गया इतना। तो सेकेंड वाला जो रिजल्ट आया वो आया फोर बीटा कॉस टू थ्री टी इंटू साइन टी। अब देखो कुछ नहीं, हम लोगों को फाइंड क्या करना था, हम लोगों को फाइंड करना था कि डी बाई डी एक्स कितना होगा, इतना प्रूव करना था बल्कि, तो डी बाई डी एक्स अगर हम लोग पता करें तो कितना होगा, डी बाई डी एक्स का मतलब हो गया डी बाई डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी, है ना। अगर डी बाई डी टी को अगर गौर से देखो तो कितना है डी बाई डी टी, यहां हम लोगों ने फाइंड किया था फोर बीटा कॉस थ्री टी इंटू साइन टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी, हम लोगों ने कितना फाइंड किया था डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू फोर अल्फा कॉस थ्री टी, तो फोर अल्फा कॉस थ्री टी इंटू कॉस टी। इसका मतलब आप ध्यान से देखो, बहुत सारे चीज कैंसल हो रहे हैं, ये सभी कैंसल हो गए, बच गए कितने बीटा वाई अल्फा
और यहां क्या बचा साइन टी न्यूमरेटर में कॉस टी डेनोमिनेटर में एंड दैट मेक्स टेन टी सो इट इज इक्वल टू टेन टी हेंस इट इज प्रूव्ड सो दिस क्वेश्चन इज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन बट नीड सम कैलकुलेशन वर्क इज इट नाउ द सेकंड क्वेश्चन इन दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन वी आर टू प्रूव दैट y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर तो ऐसा प्रूव करना था ये रूट के भीतर रहे तो प्रूव करना है देखो मैं हमेशा एक बात आपको बोलता हूं रूट के अंदर में अगर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे जो फॉर्मेट ट्रिग्नों के हेल्प से छोटा हो सकता है तो ट्राई करो जरूर ट्राई करो तो अगर मान लो हम लोग यहां ट्राई करें कि लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा अगर x को साइन थीटा ले लें तो देखो ये चेंज होकर के कितना हो जाता है ये y ये x हो जाएगा साइन थीटा ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा और डेनोमिनेटर में कितना हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब देखो ये हुआ कितना ये हो गया साइन थीटा ये कितना हो गया साइन इनवर्स साइन थीटा मीन्स थीटा नीचे में कितना बचा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा रूट के बाहर आया तो कॉस थीटा देखो कितना प्यारा सा रिजल्ट आ गया बहुत प्यारा सा रिजल्ट आ गया वाई इज इक्वल टू थीटा टाइम्स टैन थीटा थीटा इंटू टैन थीटा अब बस सिंप्लीफाई करेंगे चलिए पहले हम लोग इसको डी वाई बाई डी थीटा करेंगे मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना हुआ ये थीटा का हो गया वन वन इंटू टेन थीटा प्लस थीटा इंटू टेन थीटा का होता है डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा तो ये अपने पास रिजल्ट आया टेन थीटा प्लस थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा अभी रहने दो इसको फिर इधर देखो यहां पर हम लोगों ने सपोज किया था x इज इक्वल टू साइन थीटा तो यहां से अगर हम लोग पता करें डी एक्स वाई डी थीटा तो कितना हो गया साइन थीटा का कॉस थीटा अब यहां से डी वाई डी थीटा फाइंड करेंगे बट आई नीड सम स्पेस सो आई एम रविंग दिस पार्ट ऑफ सॉल्यूशन अब डी वाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हम लोग डी वाई डी थीटा कर देंगे डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट द आंसर वेरी इजीली एंड कंफर्टेबली तो बच्चों तब तक आप इसको सॉल्व करके देखो देखो ये तो इतना हो गया डी बाय डी थीटा डी एक्स बाय डी थीटा तो डी बाय डी एक्स फाइंड करना है कोई मुश्किल काम नहीं है देयरफॉर डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा इज इट डी वाई बाई डी थीटा अभी हम लोगों ने फाइंड किया इतना टैन थीटा इंटू सॉरी प्लस थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा मीन्स कॉस थीटा चलिए और देखिए इसमें हम लोगों को जो प्रूव करना था उसमें लिखा हुआ है वन माइनस एक्स स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर थोड़ा गौर से देखो हम लोगों ने एक्स को साइन थीटा कहा है तो x को अगर साइन थीटा कहा है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा बस माइंड सेट करके चलो कि इस तरफ होगा कॉस स्क्वायर थीटा बस वैसा लाने का प्रयास करो दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करो तो कॉस स्क्वायर थीटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो एक कॉस कैंसल बचेगा कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा चलिए अब इसके आगे हम लोग सिंप्लीफिकेशन का वर्क को कंटिन्यूड रखें डी वाई डी डी एक्स इज इक्वल टू ये होता है कितना साइन बाय कॉस तो जैसे ही कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे टेन थीटा से तो ये बचेगा साइन थीटा फिर देखो ये कितना हो गया प्लस थीटा सेक स्क्वायर थीटा मतलब होता है वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा एक कॉस इससे कैंसिल होगा तो बचेगा वन बाय कॉस थीटा इज इट क्लियर वन बाय कॉस थीटा अब देखो जो प्रूव करना था उसमें क्या चाहिए था एक्स चाहिए था एक्स का मतलब साइन थीटा चाहिए था जो कि वहां दिख रहा है फिर हम लोगों को चाहिए वाई अपॉन एक्स तो नीचे में क्या चाहिए एक्स एक्स मीन्स क्या साइन थीटा तो साइन थीटा तो यहां है नहीं तो लाओ
लाने का मतलब क्या हुआ कि आप उसको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो ये तो एक्स हो गया, तो नीचे में एक्स तो तुमको दिखने लगा, ये वाला एक्स। अब थोड़ा नजर डालो, ये कितना है थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, वो कितना होगा टेन थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा प्लस इतना पार्ट मिलकर के टेन थीटा, तो ये हो गया टेन थीटा बाय साइन थीटा, यहां थीटा ये इंटू टेन थीटा, तो इतना कितना हो गया चेक करो, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कितना वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का मतलब एक्स, तो इसका मतलब हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब एक्स प्लस थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू वाई, सो पुट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब एक्स। सो यू गॉट द रिजल्ट इज इट। सो इस तरह के क्वेश्चन तुम देखो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज करो तो बहुत आराम से तुमको आंसर मिलता है, अदरवाइज कैलकुलेशन में बहुत सारा रूट होता, साइन इनवर्स का भी डेरिवेशन होता। इज इट क्लियर? फॉर रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।